investment in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing चलो नेकी के कुछ बेर चुन लें कभी तो काम आएंगे हम सबके झोपड़े में भी कभी तो राम आएंगे जय जय श्री राम आप सभी को मेरी ओर से और हमारी टीम के सभी सदस्यों के की ओर से श्री राम महोत्सव की अनेकों ढेरों शुभकामनाएं आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसकी प्रतीक्षा कई सालों से हम करते आए हैं तो आइए इस समय इस पावन समय पर चार्ट्स की चर्चा करते हैं हर सप्ताह की तरह और इस सप्ताह भी पूरा बाजार का ब्रह्मांड खंगालकर बेहतरीन चार्ट आपके सामने लेकर के आया हूं एक बात हमेशा की तरह दोहराऊंगा चार्ट और वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम उल्लेख करते हैं जिक्र करते हैं किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदारी और बेचने की राय नहीं होती है जिन चार्ट से कुछ सीखा जा सकता है जिसमें कुछ विशेष हो रहा होता है जिससे आपका वर्धन हो और ऐसा ही सेटअप किसी अन्य चार्ट पर अगर आपको फिर कभी मिले तो आप उसका सही इस्तेमाल कर पाए इस उद्देश्य से चार्ट हर सप्ताह हाँ आपके सामने लेकर के आता हूं और इस सप्ताह हाँ भी शानदार चार्ट्स आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा बाजार में उठापटक जारी है और इस उठापटक में कई लोग विचलित हुए लेकिन जिन्होंने चार्ट्स पर विश्वास रखा वो तनिक भी घबराए नहीं तो आइए चर्चा करते हैं इस सप्ताह के चार्ट और वीक सब की और इस सप्ताह एक विशेष बात है विशेष बात यह है कि इस सप्ताह जिन चार्ट्स का मैं जिक्र कर रहा हूं उनमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं देखिए इस बाजार में कई सारे शेयर्स पर हम बड़े ब्रेकआउट्स ऑलरेडी देख चुके हैं और उसके बाद उन शेयर्स में जबरदस्त तेजी बनी है और अभी भी इस बाजार में कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनमें मल्टी ईयर रेंज ब्रेकआउट्स होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसे ही शेयर्स की चर्चा आज चार्ट ऑफ वीक में हम करने जा रहे हैं तो इस सप्ताह चार्ट द वीक रनर्स का खिताब में दे रहा हूं पी हाउसिंग फाइनेंस को जी हां पी हाउसिंग फाइनेंस के वीकली चार्ट को मिल रहा है इस सप्ताह चार्ट द वीक रनर सबका खिताब इस चार्ट की चर्चा पहले भी चार्ट ऑफ वीक में हम कर चुके हैं और इस चार्ट की चर्चा पुनः करने का मुख्य कारण यह है कि एक बड़ा ब्रेकआउट इसके वीकली चार्ट पर इस सप्ताह देखा गया आठ रुपए का लेवल इससे पहले 2017-18 के सालों में इस चार्ट पर देखने को मिला था लेकिन 800 की इस बाधा को पार करके लगभग पांच से छह सालों का बड़ा ब्रेकआउट हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट पर इस सप्ताह आता हुआ दिखा तो इस चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ वीक रनर चार्टी का खिताब मिल रहा है जरूर से इस चार्ट को स्टडी कीजिएगा आपका होमवर्क यह है कि आपको यह पता लगाना है चार्ट देखकर कि अगले देख इस चार्ट पर किन स्तरों पर बनाए जाने चाहिए यानी अगली रेजिस्टेंस की रेखाएं कहां डाली जानी चाहिए यह आपको खुद से कैलकुलेट करना है और कॉमेंट में मुझे बताना है कि आपके हिसाब से कौन से लेवल्स हैं जहां अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर देखने को मिलेगा और अब बात करते हैं इस सप्ताह के बेमिसाल दमदार चार्ट तो तो चार्ट ऑफ़ ऑफ़ द द वीक वीक की। तो इस सप्ताह के चर्चा करें उससे पहले एक विशेष इंडेक्स की बात करते हैं यह इंडेक्स है निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स जी हां चार्ट ऑफ वीक के नियमित दर्शकों को जरूर याद होगा कि इस इंडेक्स का जिक्र हमने नवंबर के महीने में किया था और उस समय ये इंडेक्स कुछ पिछासी सौ के आसपास चलता था आज ये इंडेक्स दस हजार चार सौ के ऊपर चल रहा है यानी कि एक बहुत बड़ी शानदार तेजी इस इंडेक्स में हमने देखी है तेज रफ्तार बढ़त आई है और इसका सबसे बड़ा फायदा इस सेक्टर की कंपनियों को हुआ है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक इस इंडेक्स से सरोकार रखता है और इसीलिए इस इंडेक्स का उल्लेख मैंने किया जरूर से निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स को क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ वीक की जैसा आप समझ गए हैं इस सप्ताह का चार्ट द वीक एक तेल गैस की कंपनी है चार्ट है एम का जी हांजीएल के वीकली चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ वीक का खिताब दिया जा रहा है और उसकी वजह है कि कई सालों बाद इस इंडेक्स ने एक मेजर हर्डल को चार्ट पर पार किया है और एक बड़ी रेंज का ब्रेकआउट हुआ है चार्टिंग में कॉन्सेप्ट होता है जिसे स्टेज ट्रांजिशन कहा जाता है जिसमें चार्ट पूरी तरह से तब्दील हो जाता है और एक रेंज से निकलकर नए हाइज बनाने लगता है और बिल्कुल ऐसा ही होता दिख रहा है एमजीएल के वीकली चार्ट पर आइए चार्ट पर निगाह डाल तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का दमदार चार्ट वीक यानी कि एम जी एल यानी महानगर गैस लिमिटेड जिसको इस सप्ताह चार्ट वीक का खिताब दिया जा रहा है और जैसा अभी हम चर्चा कर रहे थे तेल गैस के क्षेत्र में वाकई में आग लगी हुई है और बड़ा उबाल तेल गैस के शेयर में आता हुआ दिखा है ये यहां पर भी इस चार्ट पर भी आपको प्रतिफलित होता दिख रहा है आप देख रहे हैं कि कुछ ही सप्ताह पहले एमजीएल हजार पचास के आसपास ट्रेड करता था और अब तेरह सौ के आसपास ट्रेड कर रहा है, है।, है।, है? इस खिताब दिया जा रहा है अव्वल तो तेल गैस के क्षेत्र में लगातार तेजी देखने को मिल रही है पूरा सेक्टर जो है वो उफान पर है उबाल पर है लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है यह चार्ट अब इस चार्ट को देखने के बाद कोई शंका आपके मन में नहीं रहनी चाहिए कि क्यों चार्ट इस चार्ट ऑफ वीक का खिताब इस सप्ताह में देने जा रहा हूं उसकी मुख्य वजह यह बड़ा ऐतिहासिक ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट को पहले चार्ट पर अंकित करें यह देखिए मैंने रेखा डाली और यह रेखा डालने का वजह यह है कि ये 2017 के अक्टूबर का हाई है यानी स्विंग हाई है जिसको चार्ट पर मैंने अंकित किया 2017 में इस चार्ट पर एक रेजिस्टेंस कायम हुई जो कि 1260 के आसपास थी इस स्तर पर विजय पाने में एमजीएल को लगभग सात बरस का समय लग गया जी हां यानी अक्टूबर 2017 के बाद से अब जाकर के जनवरी 2024 में 1250-1260 की सर्चन को पार करके एक बड़ा दमदार ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ दिखाई पड़ा और यही वजह है कि इस चार्ट को इस सप्ताह चार्ट वीक का खिताब मिल रहा है देखिए इस चार्ट पर आपको यह शिखाएं नजर आएगी और इनको देखकर शायद आप रेखा इन स्तरों पर भी डाल दें लेकिन ये रेखाएं उचित नहीं होंगी हमेशा रेजिस्टेंस मार्क करते समय इस तरह से रेखा डाली जानी चाहिए और ये रेजिस्टेंस जो कि ईयर मल्टी मल्टीपल वैलिडेटेड रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ हमने देखा बारह तो सौ के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और अब यह स्टॉक टेरिटरी में प्रवेश कर चुका है एक पुरानी पद्धति चार्ट पर ये देखी जाती है कि जितनी गहरी रेंज हो उतना ही बड़ा इंपैक्ट रेंज के ब्रेकआउट के बाद आता है अगर उस दृष्टि से इसको देखें तो यह रेंज लगभग 500 अंकों की है यानी 500 अंकों का दायरा अब इस चार्ट पर खुलता दिख रहा है एमजीएलडो का शेयर है और एफ एंडो के शेयर में बहुत उठापटक चलती है शॉर्ट सेलिंग होती है ऑप्शन का कारोबार होता है इसीलिए आमतौर पर गति कम रहती है और व्यवधान ज्यादा होते हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा इस चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब देने की मुख्य वजह यह है कि बड़ी ड्रामेटिक रेंजेस का बड़ा ब्रेकआउट किस तरह से चार्ट पर प्ले आउट होता है ये आप समझ पाए देख पाए तो इस सप्ताह का यह है रोचक चार्ट ऑफ द वीक एमजीएल तो देखा आपने कि कितने वर्षों बाद एमजीएल के चार्ट पर यह शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कई सारे ऐसे चार्ट्स हैं जहां मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं ऐसा ही कोई चार्ट अगर आपकी भी निगाह में आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा उसका भी चार्ट में अवश्य देखूंगा और चार्ट में दम हुआ तो उसकी चर्चा अगले चार्ट वीक में जरूर करूंगा इसी तरह लगातार चार्ट देखते रहिए इस बाजार में भी जहां सब कुछ गर्मा गया है अवसरों का अभाव नहीं है केवल नजर चाहिए और यह नजर बनेगी जब आप लगातार चार्ट ऑफ वीक को देखेंगे लगातार इस चैनल से जुड़े रहेंगे और इसी तरह से अपना आशीष और प्रेम बरसाते रहेंगे तो ख्याल रखिएगा अपना एक बात आपको फिर याद दिला दूं कि, कि किसी भी चार्ट की जिसकी चर्चा हम लोगों ने चार्ट ऑफ द वीक पे की है किसी पर भी मेरी कोई खरीदारी और बेचने की राय नहीं है और दूसरी बात यह कि जिन चार्ट्स की हमने चर्चा की वो तमाम चार्ट्स वीकली चार्ट्स हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म एनालिसिस इन चार्ट्स का हम इस कार्यक्रम में हमेशा करते हैं इन चीजों का ख्याल रखिएगा अपना भी ख्याल रखिएगा एक बार फिर आप सबको मेरी ओर से जय श्री राम